इस वीडियो में मैं आपके लिए रामधारी गुप्ता खंड एक से प्रतिलेखन संख्या 78 की डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ, जिसकी स्पीड होगी 60 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन के साथ मैंने एडवांस आउटलाइन भी तैयार की हैं, ये मैंने एडवांस आउटलाइन खुद बनाई हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। जब आप डिक्टेशन से पहले एडवांस आउटलाइन की प्रैक्टिस करेंगे तो डिक्टेशन को लिखने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, गलतियाँ भी आपकी कम होंगी। यदि किसी कारणवश आपकी स्पीड नहीं बन पा रही है या गलतियाँ अधिक आ रही हैं तो आज ही आप हमारी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस सुबह और शाम दोनों ही समय चलती हैं। मैंने एडवांस आउटलाइन की बुकें तैयार की हैं, उनको आप ले सकते हैं। बुकों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बुक खरीदने पर आपको 5 दिन की फ्री ऑनलाइन क्लास दी जाएंगी और यदि आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको 1 बुक फ्री दी जाएगी। रामधारी गुप्ता खंड 1 और खंड 2 को लिखने में आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो मैंने इनकी एडवांस आउटलाइन की बुक तैयार की है, इनको पूरा ट्रांसलेट किया है शॉर्ट हैंड में, उनकी बुक भी आपको मिल जाएगी। शॉर्ट हैंड संबंधी अधिक जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे बुकों को परचेज करना हो, कैसे क्लासों को ज्वाइन करना है, तो अभी मैं आपको ये डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ। डिक्टेशन लिखने के लिए आप लोग तैयार रहें। रेडी। महोदय, तो क्या आपस के छोटे मोटे झगड़ों के लिए हम डंडे और पत्थरों का उपयोग करेंगे और एक दूसरे की भावना, उनकी प्रसन्नता और उनके विचारों का ध्यान नहीं रखेंगे? मैं जानता हूँ कि जिस समय इस योजना के विषय में विचार हो रहा था और रुपए पैसे की कमी के कारण कुछ लोगों को इस बात का संदेह था कि इसको किया जाए या नहीं, उस समय राजस्थान और मध्य भारत ने करोड़ों रुपए जमा करके अपना उत्साह प्रदर्शित किया। इससे लोगों में केवल उत्साह को ही प्रोत्साहन प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि उनमें सहयोग की भावना का भी विकास हुआ, क्योंकि इतना बड़ा काम यदि ऐसी भावना पर नहीं तो और किस भरोसे पर हाथ में लिया जा सकता था। मैं चाहता हूं कि आप में से प्रत्येक इस काम को अपना काम समझे और इसमें यथाशक्ति सहायता करें और इसको पूरा करा दें। पैराचेंज। कल मैंने सुना और मुझे यह देख कर प्रसन्नता भी हुई है कि आप लोगों ने यहाँ पर किसी एक ही स्थान से नहीं बल्कि सारे भारतवर्ष से आदमियों को बुलाया है और वे आकर काम कर रहे हैं। बहुधा ऐसा होता है कि ऊंचे ऊंचे पदों पर बड़े बड़े अधिकारी दूर दूर से आते हैं, पर जो काम कठिन समझा जाता है उसको स्थानीय लोग ही करते हैं। इसके विपरीत मैंने यहाँ यह भी देखा कि केवल ऊंचे पदों पर ही नहीं बल्कि पत्थर तोड़ने तथा पत्थर काटने जैसा
ठेठ मजदूरी का काम जो कठिन काम होता है, मद्रास से लोग आकर कर रहे हैं। यह हर्ष की बात है, वे तो मजदूरी के लिए ही आए हैं, परंतु इतनी दूर से आने जाने में उनको सारे देश का ज्ञान हो जाएगा, और जितने दिन वे यहाँ रहेंगे उनका यहाँ के लोगों से प्रेम और संपर्क पैदा हो जाएगा, जो सारे देश के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह देश इतना बड़ा है और इसके निवासी इतने अधिक हैं कि जब तक सब राज्यों के लोगों का परस्पर थोड़ा बहुत परिचय कराने का विशेष प्रयत्न नहीं किया जाएगा, तब तक सबका सहयोग नहीं मिल सकता। हमारे पूर्वजों ने इस सारे देश को सदा ही एक माना, और इसीलिए जब शंकराचार्य जी ने दिग्विजय की तो उन्होंने हिंदुस्तान के चारों कोनों में चार मठ स्थापित किए, प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिए चारों मठों का दर्शन करने का महात्म्य है। फुल स्टॉप। दोस्तों, ये थी 60 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य भेजिएगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो आए तो सबसे पहले आप उसको देख सकें। शॉर्टहैंड संबंधी किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे बुकों को परचेज करना है और कैसे क्लासों को ज्वाइन करना है। आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी पावरफुल वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।